दोस्तों क्या आपने कभी सोचा अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपका हर्ष क्या करेंगे? दोस्तों क्या आपने कभी सोचा अगर इंडियन ऑयल बंद हो गया तो प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनियां क्या क्या करेंगी? दोस्तों आपने कभी सोचा बीएसएनएल अगर बंद हो गया तो दूसरी टेलीकॉम कंपनियां क्या करेंगी? थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, आज बीएसएनएल को साथ देने की जरूरत है। बीएसएनएल वो कंपनी है जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। बीएसएनएल वो कंपनी है जिसने आज से 10 साल पहले जब इनकमिंग कॉल के लिए भी पैसे कटते थे उसको बंद किया था। बीएसएनएल वो कंपनी है जिसने जब रोमिंग लगता था, हमारे जैसे छात्र जो दूसरे स्टेट में जॉब सर्च करते थे तो रोमिंग में वो फोन नहीं उठा पाते थे, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने रोमिंग का कॉल बंद किया था। रोमिंग में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लगना उन्होंने ही बंद करने का स्टार्ट किया। आज उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, उनकी कंपनियां थोड़ा सा बिक्री जा रही है, तो सारा का सारा प्रिंट मीडिया, सारा का सारा डिजिटल मीडिया, सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएसएनएल डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। भाई साहब लोग, आप लोग किसी के चंद पैसों के खातिर इस तरह से प्लीज बदनाम मत करिए। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। ये एक ऐसी कंपनी है बीएसएनएल जिसने हमें आज तक सबसे ज्यादा कम पैसे में हमें अपना सुविधा मुहैया कराया है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो अपनी प्रॉफिट के लिए काम करेगी। ये कंपनी वो नहीं है कि कितना टर्नओवर हो रहा है, ये कंपनी है पब्लिक सर्विस कमीशन की, हमारी सेवा के लिए कंपनी है। और हम लोग, मतलब हम इंडियन के साथ एक प्रॉब्लम है, कुछ चीजें फ्री में मिलना स्टार्ट होती हैं तो हम शुरू हो जाते हैं उसके पीछे चलना। और फिर जब वो कंपनियां अपना रंग दिखाती हैं, दोस्तों आपने अभी हाल में ही देखा होगा कि जियो ने आपको असली रंग दिखाया अपना। उन्होंने 6 पैसा पर मिनट दूसरे कॉल पे लगा दिया है चार्ज। आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे हम दूसरे नेटवर्क पे अगर हम 60 मिनट भी बात करते हैं, अगर हम डेली का 60 मिनट बात करते हैं, तो आप कितने पैसे, 3.60 रुपए डेली का आपको लगाना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन भी अभी थोड़ी देर बाद में आपको डीप में समझाऊंगा क्या प्रोपोगंडा चल रहा है, किस तरीके से लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। इसका कुल मिला के सबकी साजिश ये है, रिलायंस की साजिश में साफ साफ बोलना चाहूंगा, रिलायंस की साजिश ये है, इस तरीके से प्रिंट मीडिया पे फैला दो कि बीएसएनएल लोग खरीदना बंद कर दे। और जिस दिन बीएसएनएल बंद हो गया उस दिन हर एक टेलीकॉम कंपनी अपनी मनमानी करेगी, और फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा कि हम कोई और कंपनी का सिम यूज कर सके, क्योंकि मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं होगा। इस फैक्ट को समझना पड़ेगा। बीएसएनएल इतना ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रचार नहीं करती है, लेकिन जियो हर जगह प्रचार करके हमें अंधभक्ति की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और हम जा भी रहे हैं। मैं किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट आज बीएसएनएल को साथ देने की जरूरत है, क्योंकि बीएसएनएल वो कंपनी है जिसके लिए 6 महीने पहले लाइन में लग के एप्लीकेशन देना पड़ता था कि मुझे यहां पे इस कंपनी का सिम चाहिए। आज बीएसएनएल के साथ गवर्नमेंट भी उस तरीके से नहीं खड़ी है जिस तरीके से भारत की नॉर्दर्न कंपनी के लिए खड़ी होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए, ये कंपनी वो कंपनी है जिसमें बच्चों का जॉब ड्रीम के लिए होता है कि नॉर्दर्न कंपनी में अगर हो गया, बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनी में हो गया तो कितना अच्छा होगा। आज उस कंपनी का हर्ष ये है। और इसमें बुरी बात यह है कि मैंने अभी तक मोदी साहब से, जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनसे एक स्टेटमेंट भी नहीं सुना। उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप 2 शब्द अपने भारतवासियों से, आप मन की बात में भी कर सकते हो, जहां पे भी अच्छा लगे आप शेयर करो। अगर आप लोग साथ दोगे तो बीएसएनएल नहीं डूबेगी। और दूसरी बात ये कि बीएसएनएल को डुबाना भी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में एक बार डिस्कस करूंगा डीप में क्यों डुबाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम बीएसएनएल को बंद करने के लिए 85,000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे, मतलब इतना लॉस होने वाला है। तो ये तो भारतीय गवर्नमेंट करेगी नहीं, बट जिस तरीके से लॉस में जा रही है उस तरीके से ये जरूर हो सकता है कि दूसरी कंपनियां मनमानी करने लगे। हमें बीएसएनएल के प्लान के बारे में नहीं पता है, मैं आज आपको प्लान के बारे में भी फुल डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि प्लान बीएसएनएल के कितने सस्ते हैं और हमें पता नहीं है कि इतने सस्ते हैं, इसलिए हम दूसरे नेटवर्क कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं।
अगर मैं देखूं तो अगर स्पीड की बात करूं तो BSNL का 3G हमारे जियो जो है जो आप चला रहे हो जियो के 4G से कहीं ज्यादा स्पीड देती है। BSNL वो कंपनी है जो केरला में कभी आपदा आई, कभी आंध्र प्रदेश में भूकंप आया, कभी नेपाल में कोई समस्या आई, कहीं पे कुछ आया वहां पे आपको पैसे डोनेट करती है। हमेशा इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को BSNL सपोर्ट करता आया है, वो अपनी फंडिंग के लिए काम नहीं करता। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जियो एक रिलायंस की इंडस्ट्री है, रिलायंस है, वो क्या करेगा, उनको खुद के स्वार्थ के लिए काम करना है, खुद के पैसे इनकम के लिए काम करना है। उनका जो माइंड है वो माइंड इस तरीके से, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक होता है माँ के हाथ का खाना जो घर में होता है, जो माँ गोटियां नहीं गिनती, बट एक होता है जब हम होटलों में जाते हैं और होटलों में जाके वहां पे जब होटल में खाना खा लेते हैं तो काउंटर पे पूछा जाता है भाई साहब आपने 4 खाया या 3 खाया। वो हमारे हेल्थ के लिए नहीं बनाते हैं, वो अपने इनकम के लिए पैसे बनाते हैं। यही हर्ष होने वाला है। सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट सबके लिए है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा BSNL को सपोर्ट करें। हो सके तो अगर आप BSNL चला रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करें, अगर नहीं चला रहे हैं तो एक सिम BSNL का रखें। और मैं आपको आज कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगा जिसमें पता चल जाएगा कि BSNL बंद नहीं होने वाला है। चलिए दिखाते हैं आपको एक प्रूफ। दोस्तों आज मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाना चाहूँगा। उन प्रूफ्स में सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, यहाँ पे राजेश मिश्रा जी ने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने पेपर भी पब्लिश किया और ये यहाँ पे एम्प्लॉय भी है BSNL के। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा द डायरेक्टर्स BSNL बोर्ड न्यू दिल्ली, इन्होंने सीधे सीधे लिखा है एक्शन टू काउंटर द निगेटिव प्रोपोगेंडा, प्लीज रिफर टू न्यूज क्लिपिंग इन द वेब साइट्स financeexpress.com, इकोनॉमी, BSNL, MTNL फाइनेंस, वेयर न्यूज हैज बीन पब्लिश रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर टर्न्स डाउन द रिवेल पैकेज ऑफ BSNL एंड MTNL। इन दिस रिगार्ड रिलायंस जियो इज स्प्रेडिंग दिस मैसेज टू ऑल इट्स रिटेलर्स एंड आस्किंग देम टू प्रमोट इट्स 699 ऑफर रिसेंटली। सीधे सीधे आपको बताया जा रहा है कि मतलब कि रिटेलर को बोला जा रहा है कि आप प्रमोट करो इस ऑफर को। अब समझिए ये सीधे सीधे प्रोपोगंडा, और ये मैंने BSNL बोर्ड न्यू दिल्ली बोला है, ठीक है। इसका मतलब सीधे सीधे सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है। चीफ जनरल मैनेजर, आप इसको पढ़ भी सकते हो और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दूंगा लिंक, आप यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हो अच्छे से और यहाँ पे रीट्वीट करके बता भी सकते हो कि हम आपके साथ हैं। एक दूसरा मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा क्रिएट ऑन सोशल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मैं आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ अभी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बातें हुई, और मैं आपको एक इनका लेटर भी दिखाता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस BSNL गुवाहाटी में हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, श्री संदीप गोयल चीफ मैनेजर BSNL आसाम हैज इन्वाइटेड दैट The recent media reports published in some newspapers on 9th and 10th October, जो आपको अफवाह फैलाई गई थी 2019, and also circulating through electronics social media platform regarding recommendation of Finance Minister of Government of India for closure of BSNL is completely baseless and untrue. Completely baseless and untrue. अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमको बेवकूफ़ बनाती है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्लियर हुआ होगा, मैं इसका एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप जब सोचते हो कि लाइक BSNL बहुत महंगा है, आपके दिमाग में इस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, क्योंकि हमें जो दिखता है वही दिखता है। लेकिन अगर मैं आपसे स्कीम की बात करूँ, जो रियल स्कीम चल रही है BSNL वर्सेज जियो की, तो हम आपको कुछ क्लियर करना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं अगर सबसे पहले प्लान की बात करूँ, फिक्स मंथली चार्ज, ठीक है, कितने का है, 849 का है, किसका, BSNL का है, जिसमें BSNL अप टू 50 Mbps टिल 600 GB तक अप टू 50 Mbps की स्कीम देता है, बैंडविड्थ देता है यहाँ पे। और अगर मैं जियो की बात करूँ तो जियो 849 में सिर्फ और सिर्फ 100 Mbps टिल 200 GB तक ही देता है।
मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब मैं आपको दूसरे प्लान के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिक्स मंथली चार्जेस 1277 मतलब 1277 रुपीज़ में आपको यहाँ पे 750 GB का प्लान मिलता है मंथली, और इनका जो गोल्ड प्लान है वो मिलता है 1299 का, किसका, जियो का। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तो अप टू 100 Mbps टिल 750 GB अप टू 2 Mbps बियॉन्ड, उसके बाद भी 2 Mbps आगे मिलता रहता है। और अगर मैं बात करूँ जियो की, तो जियो आपको तो अच्छे से कि 250 Mbps टिल 500 GB और उसके बाद ये प्लान बंद हो जाता है। और दूसरे भी प्लान से आप यहाँ पे देखिए, बहुत ढेर सारे प्लान हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आपके सामने आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें मार्केटिंग का शिकार बनाया जा रहा है और हम शिकार बन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, BSNL धनबाद का एक नोटिस आया था, पेपर पे आया था, न्यूज़पेपर पे, BSNL का 75,000 करोड़ रुपए का पुनरुद्धान पैकेज मंजूर। जब पैकेज मंजूर हो चुका है तो फिर कंपनी डूब कहाँ से सकती है, क्यों फालतू में इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ दोस्तों। इफ जियो कस्टमर स्पीक 60 मिनट्स पर डे टू अदर नेटवर्क, और ऐसा होता ही है हम लोगों के साथ, तो आपको अक्सर अगर हमारा काम मोबाइल पे ही है तो, देन 6 पैसे पर मिनट मीन्स 60 × 6 टोटल कितना हो गया, 3.60 रुपए। अगर मैं साफ साफ बोलूं, 3.60 रुपए एक दिन का होता है। सो फॉर वन मंथ द कॉस्ट विल बी 30 × 3.6 मतलब 3.5 रुपए, 3.60 रुपए आपका एक महीने का कॉस्ट कितना जाता है, 108 रुपए, राइट, चलो 100 बोलते हैं। जियो 3 मंथ रिचार्ज इज नाउ बिकम्स, अभी 3 मंथ का रिचार्ज कितने का है, 399 का है, प्लस 100 × 3 करोगे, क्यों 3, क्योंकि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 100 रुपये यहाँ का, तो कितना हो गया आपका 669 रुपीज़ में आपको टोटल पैकेज पड़ेगा 3 महीने का। बट अगर मैं बात करूँ BSNL की, तो BSNL 485 प्लान गिव्स अनलिमिटेड वॉइस कॉल टू एनी नेटवर्क एंड अनलिमिटेड डाटा फॉर 3 मंथ्स। तो अवस्था कौन सा है और किस तरीके से हमको बताया नहीं जा रहा है, और अभी आपके सामने सभी रिजल्ट हैं। आप किसी भी मार्केट का शिकार मत बनिए, जो आपके सामने दिख रहा है, जो फैक्ट है, जो आपको आज से 19 सालों तक सेवा दे रहा है, तो आई थिंक हमें उसका ही बिलीव करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए प्रीपेड प्लान्स एंड ऑफर्स जो अभी करंट में चल रहे हैं, कि कितने रुपए में कितने, 106 रुपए में 1 GB 24 डेज, इस तरीके के कुछ ऑफर्स हैं, ये भी आप इनको देख सकते हैं। तो अब हमें प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि हमें दूसरी टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, न्यूज़ के थ्रू कोशिश कर रही हैं। हमें समझना है कि फैक्ट क्या है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई, वो भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, और आप क्लियर करना कि क्या फैक्ट है और किसका साथ देना चाहिए, क्या BSNL का साथ देना चाहिए। मैं तो दूंगा, आप भी अगर कुछ मानते हो तो आप करना जरूर, अपने देश के लिए करना यार। We have made it possible to come at a very very short notice in a very large number. We are indeed very much grateful to all of you who have come to this press meet, which is being held after quite some time. Last time we met in February 19, before we formally go through this press meet, I will request Honorable CHMT Assam Circle Sri Sandeep Govind sir to say a few words. Namaskar, aap sabhi logon ko puja dashera ki hardik shubhkamnaye. पूरे आसाम टेलीकॉम सर्कल की तरफ से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फरवरी 2019 में हमारी लास्ट प्रेस मीट हुई थी, तब हमने यह डिसाइड किया था, यह डिक्लेयर किया था कि हम आसाम में 4G सर्विसेज लॉन्च। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि BSNL कहीं से भी बंद होने वाली कंपनी नहीं है, अभी कभी बंद नहीं होगी। लेकिन जो हमारी ये कुछ न्यूज चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ हमारी प्रिंट मीडिया, कुछ डिजिटल मीडिया बहुत ही ज्यादा नाम खराब कर रहे हैं। प्लीज इस तरीके से देश को मत डुबाइए, साथ दीजिए हमारी नौरत कंपनियों का, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपको समझ आ जाएगा कि ONGC का जो हश्र हुआ है, जो इंडियन ऑयल को होने वाला है,
वही कहीं आप बीएसएनएल का न कर बैठो, ठीक है। हमें बेचना नहीं है, हमें बीएसएनएल बेचना नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल हमें हमेशा साथ दिया है। हम साथ मिलके, हम आप सब साथ मिलके, ये मेरा एजुकेशन चैनल है, लेकिन मैंने सोचा नहीं अवेयरनेस देनी चाहिए हम अपने सभी सब्सक्राइबर को और जो भी इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। प्लीज हम चाहते हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बीएसएनएल का साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बीएसएनएल को यूज करने की कोशिश करिए। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको दोस्तों, बीएसएनएल ने हमेशा हमें समझाया है कि इतना काम करना है, आपका ऑफिस आवर्स इतना होता है, इसीलिए उसके पास 1.5 लाख एम्प्लॉयज हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जियो की या बात करूं किसी दूसरे टेलीकॉम कंपनीज की, रात के 12 बजे 11 बजे तक काम करते रहते हैं। या आप इस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा कि अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो सीधे आपको फायर कर दिया जाता है। इसी तरीके से मनमानी होगी और हम जैसे और आप जैसे नागरिक जॉब के लिए परेशान रहेंगे और जॉब तो पाएंगे, लेकिन इतना परेशान कर दिया जाएगा कि 2 से 4 महीने में आप जॉब को छोड़ दोगे या कंपनी आपको फायर कर देगी अगर आप उसकी नहीं सुनोगे। तो प्लीज नौकर बनने से अच्छा है कि हमें बीएसएनएल जैसी कंपनियों को साथ देना चाहिए, जिससे हम ऐसी रेपुटेटेड कंपनियों में जॉब ले सके और एक अच्छी लाइफ, जो एक नागरिक की रियल लाइफ होनी चाहिए, जो एक लेवल लॉक कहता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम आर्स होना चाहिए उतना काम करके हम अपनी लाइफ को थोड़ी सी अच्छी बना सके। सो प्लीज आज बीएसएनएल को हमारी तरफ से, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना सपोर्ट दीजिएगा, जिससे बीएसएनएल ज्यादा से ज्यादा आगे जाए और सारे दूसरे प्लेटफॉर्म साइड हो जाए। साइड होने की जरूरत भी है। इसका मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। हमारे पास में एक रिटेलर रहता है, उसने बहुत ही अच्छी खबर बताई। उसने बोला, सर हमें बुला के प्रमोट किया जाता है, बोला जाता है कि आप जियो का 699 का प्लान प्रमोट करो, आप बीएसएनएल की बुराई बताओ, आप इस कंपनी के बारे में बताओ कि ये कंपनी ऐसी है, इस कंपनी का एडवांटेज बताओ। इस तरीके से उनको भ्रमित किया जाता है और उनको करना पड़ता है चंद पैसों के लिए। तो दोस्तों, उस चंद पैसों के लिए रिटेलर तो चलिए ठीक है, वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, वो परिवार का अपने निर्वहन करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे के लिए प्रमोट कर रहा है, बट हम को समझदारी से बीएसएनएल ही लेना चाहिए, बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहिए। इसको अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी अगर नौरत कंपनियां, अगर आपको नौरत कंपनियों के बारे में नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, उन्होंने ही हमारे अर्थव्यवस्था को अभी तक मजबूत रखा था। और अभी आपने हाल ही में देखा हमारी अर्थव्यवस्था का हाल क्या हुआ। कुछ लोग यहाँ पे निगेटिव कमेंट भी करना चाहेंगे। प्लीज यार, अंधभक्ति मत करो, जो सामने दिख रहा है उसका साथ करो, जो सच है उसका साथ दो। टीवी और जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, जो दूसरे डिजिटल मीडियाज हैं, उनको अंधभक्ति की तरफ मत देखो कि जो बोल रहे हैं वही सच है। थोड़ा साथ में जाके देखना। अभी मैंने आपको जो ट्वीट दिखाया वो मेरे बड़े भाई का ट्वीट है, वो खुद एक बीएसएनएल के एम्प्लॉई हैं, उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई कि इस तरीके से फैक्ट चल रहा है। तो हमें लगता है कि हमें साथ देनी चाहिए, ऐसे जो फैक्ट है उनको आगे आना चाहिए, और जो चंद पैसों के लिए अपने नाम को बेच रहे हैं उनका बायकॉट करना चाहिए। ये हमें बात को याद रखना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।